तो मैं आज बना रही हूँ दूध वाली सेवइयाँ। इसमें ये मैं छुआरे भी डालूंगी और छोटी इलायची। पहले मैं इस सेवइयों को हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा भूरी कर लूंगी। और हाँ, हमारे पास लाइट नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। जी तो ये सन्या, तो मैं ये दूध वाली सेवइयाँ ईद के लिए ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल इजी और मज़ेदार बनती है। और ये भी सोचा कि लाइट नहीं है, हमारा दूध इतना सारा ज़ाया हो रहा था, तो सोचा चलो कुछ मिठाई बना लेते हैं और रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो पानी थोड़ा सा बॉइल हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, इसमें जो टेस्ट है वो सारा इनकी वजह से आता है। आएंगे तुरी का क्या सालन, सिंपल सा। बताया कि इफ्तारी से पहले जो है ना, रोजे से ऐसी हालत हो रही होती है कि कुछ किया नहीं जाता, रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो, इसलिए हम अफ्तारी के बाद सब कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ये दूध जब से एटलीस्ट हमारे पास दो तीन दिन हो गए, हमारा रोज दूध खराब होता है, तो हम कुछ ना कुछ मीठा बना लेते हैं। हमने रसमलाई भी बनाई थी, उसकी रेसिपी हमने शेयर नहीं की क्योंकि फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। तो मैं इसको ज्यादा नहीं, जस्ट इतना ही करूंगी। मैं थोड़ा सा इसको देखूं कि ये कितनी हो गई, तो ये बस इतना ही हम इसे बॉइल करेंगे, ज्यादा नहीं। मिंट हल्के से गर्म पानी को बॉइल करके उसमें डाल के फौरन निकाल देंगे। आपको निकाल के तो मैंने इनको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जिस सेवइयों में मैंने सेवइयां बॉईल की थी, जिस पानी में, उसी में मैंने ये भिगो दिए और दूध में बॉईल कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, वो हल्का सा बॉईल आ जाए तो आप देख सकता है, देख तो दूध बॉईल हो चुका है। मैं इसमें ये डालूंगी ताकि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। तो थोड़ा सा दूध में और भी डाल दूंगी। तो इसमें देख सकते हैं आप, छुआरे पक रहे हैं। ये आपके पास अगर कंडेंस मिलके तो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये मिल्क पाउडर से बनाया, ड्राई मिल्क से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सेवइयां डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। तो हम चीनी भी डाल देंगे। तो हमें इसको एक बॉईल आने देना है, इसके बाद हम डाल देंगे ये दूध। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये, इसके साथ ये बहुत ज्यादा गाढ़ी और अच्छी हो जाती है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है।
तो एक और बॉयल हमें इसको आने देना है ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और यहाँ पर बन रहा है हमारा खाना। तो ये एक दो पिंच हैं अजवाइन और मेथी दाने के जो कि मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो हमें गाढ़ा होने देना है थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो रही है। जैसे जैसे इसको एक दो बॉयल आएंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, स्पेशली ईद के लिए। ईद के दिन आप अपने जैसे मेहमान आते जाते हैं उनके लिए आप ये बना के रख सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं लेकिन मैंने नहीं डाले। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स होना हो ये फैक्ट नहीं पड़ता। मेरे पास ये छुआरे हैं, मेरे लिए ये बड़ी बात है। ये छुआरे जो है हमारे गाँव से आए, बाबा लेकर आए थे। थोड़ा सा हमें इसको गाढ़ा होने देना है। हम ये हरी मिर्च डालना भूल गए थे तो अब हम डाल देते हैं। अब बस हम ये आंच बंद कर देंगे, कुछ देर पड़ने तक पड़ेंगी, ठंडी हो जाएंगे अच्छे से तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी और अच्छी हो जाएंगी। तो ये डन है। तो अब मैं डालूंगी इसमें ये कुछ हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा कटा हुआ। ये जो हरी मिर्ची मैंने काट के डाली इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये कुछ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। मैंने लाल मिर्च कम डाली है, रात का खाना है ताकि हल्का बने। और उसके बदले मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली। तुरई हमने डाल दी है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, अपने पानी में पक जाती है। मैं जस्ट इसको 10 से 15 मिनट तक दम में रख दूंगी और ये पक जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी बन चुकी है। अभी ये जब ज़्यादा देर तक पड़ेगी तो गाढ़ी हो जाएगी खुद ब खुद। तो देख सकते हैं क्या पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। Thank you.
तो ये खाना हमारा तैयार है। तो ये सिंपल सा तुरई का सालन बनके तैयार है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसा हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, टेस्टी और हेल्दी है, खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तैयार है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सिंपल सा डिनर तैयार है।